हाय माय ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस ट्रिपल वन टेरर चैनल के ऊपर। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, खुश हैं, पॉजिटिव हैं। तो आज मैं करने वाली हूँ नेक्स्ट 48 आवर्स की रीडिंग, कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आप लोगों के साथ में क्या होने वाला है। आई एम वेरी एक्साइटेड टू डूइंग दिस रीडिंग, क्योंकि ये रीडिंग हमेशा बहुत कमाल करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स आप लोगों की लाइफ में क्या लेकर आ रहे हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग्स। दिस इज अ कलेक्टिव रीडिंग फॉर ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल। अगर आप लोगों से रेजोनेट होती है तो इस वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा एंड मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें फॉर मोर ब्यूटीफुल टिप्स, ट्रिक्स, डेली गाइडेंस एंड द रेमेडीज। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज डिवाइनिक एंजल्स बताइए नेक्स्ट 48 आवर्स की एनर्जीज क्या रहेंगी। 5 ऑफ सोल्स। देखिए कुछ अच्छा भी आ सकता है, कुछ बुरा भी आ सकता है, ठीक है? तो जो अच्छा है ना उसको प्लीज इंजॉय कीजिएगा और जो बुरा है उसके लिए आप सतर्क हो जाइएगा। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स, टेन ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ वांड्स। अरे भैया बच के रहना। माय ब्यूटीफुल कलेक्टिव पीपल, बच के रहिएगा। इस कार्ड को यहाँ लगाती हूँ। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि किसी की बहुत तगड़ी वाली घेमा घेमी वाली लड़ाई होने वाली है। लॉयल हार्ट टू द सी, न्यू लाइफ, बॉटम ऑफ द डेक ऑब्जर्वर। सुबह से चढ़ा हुआ है ये गाना, पता नहीं क्या बात है। कई बार ऐसा होता है ना, कोई एक सिंपल गाना होता है वो दिमाग में चढ़ जाता है, तो बस चढ़ जाता है, वो पूरे दिन यही बजता रहता है। फिर कंपैटिबिलिटी, लव, बॉटम ऑफ द डेक सिल्वर वाटरफॉल। ओके, नाउ लेट मी टेल यू गाइस नेक्स्ट 48 आवर्स। पहले बुरी चीज़ें बता देती हूँ ताकि अच्छी चीज़ों का स्वाद खराब ना हो। बुरी चीज़ ये है कि मुझे यहाँ पे कुछ गुमने वाली एनर्जी नज़र आ रही है। हो सकता है आपका कुछ वैल्यूएबल गुम जाए जो कि काफ़ी ज़्यादा वैल्यू का हो और फिर आपकी मम्मा डांटे आपको, ठीक है? या फिर आपको अंदर से बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हो कि आपने ये क्यों किया था जिसकी वजह से ये हो गया, ठीक है? मैं यहाँ पे देख रही हूँ एक तरीके की डिस्टॉर्टेड एनर्जी विद द 5 ऑफ सोर्ड्स। क्या बहुत ज़्यादा ना अजीब, बहुत ज़्यादा परेशान और बहुत ज़्यादा दुखी महसूस करेंगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपकी लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ख़राब हो गई, ठीक है? आफ्टर इन दीज 48 आवर्स आपको ऐसा लगेगा एक अजीब सी उधेड़बुन वाली एनर्जी। कोई या तो गुमने वाला है या फिर कुछ गुमने वाला है, कोई सामान हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है जिसका रियल फेस आपके सामने आ जाए एंड आप ही उसके साथ अपने सारे रिश्ते तोड़ दें, या फिर वो बंदा कुछ इस तरीके की एनर्जीज आपके साथ क्रिएट करे कि आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, इसके साथ मेरा नहीं चल सकता, ठीक है? आप ये चीज़ थोड़ी सी आई है, एक आपको आर्ग्यूमेंट से बच के रहना है नेक्स्ट 48 आवर्स में, क्योंकि मुझे आर्ग्यूमेंटल एनर्जी बहुत दिख रही है। या तो आप करेंगे या फिर लोग आपसे आ करके करेंगे, ठीक है? दूसरी चीज़, आपको ना एकदम बोल्ड एनर्जी में रहना है, पावर एनर्जी में रहना है। आपने ज़्यादा कुछ भी इधर उधर उधेड़ बुन कुछ नहीं करनी है, आपने शांत रहना है, ठीक है? लाइक दिस पिक्चर, शांत, ठीक है जी? अच्छा, अब हम अच्छी बातों की बात करते हैं। कई बारी क्या होता है ना, स्लिप ऑफ टंग, अच्छी बातों के बारे में बात करते हैं। 9 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स का कार्य है। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि चलो ये कुछ लोगों से रेजोनेट होगा, ये कुछ लोगों से रेजोनेट होगा एंड मिक्स भी हो सकता है।
तो मैं देख रही हूँ कि नेक्स्ट 48 आवर्स में ना आप किसी तरीके की आपकी विश फुलफिल होगी, ओके, और किसी तरीके का लॉस होगा, या फिर ओनली किसी तरीके का लॉस होगा या फिर ओनली किसी तरीके की विश फुलफिल होगी, ठीक है, बिकॉज दिस इज जनरल रीडिंग एंड कलेक्टिव टू. तो आप है ना इस चीज़ को पाने के बाद, ये कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जिसका आप इंतज़ार काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, एंड फाइनली जब ये चीज़ आपकी लाइफ में आ जाएगी, यू गाइज विल फील वेरी ब्यूटिफुल. बहुत ही ब्लास्ट वाली एनर्जी आपको फील होगी, आपको बहुत ज़्यादा गुडनेस फील होगी, और जब आप इस एनर्जी में आ जाएंगे ना, विश फुलफिलमेंट वाली एनर्जी में आ जाएंगे, तब आपको ऐसा लगेगा कि आपकी लाइफ में बहुत सुकून है. तो नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको किसी तरीके की कोई सुकून वाली न्यूज़ मिल सकती है, या फिर किसी तरीके की विश फुलफिल हो सकती है, ओके. आपको कोई न्यू लव मिल सकता है, या फिर आपके ओल्ड लव के साथ आपके जो सिनेरियोज़ हैं वो बहुत ज़्यादा गहरे हो सकते हैं, ठीक है. टू द सी का कार्ड है, सिनेरियो बहुत गहरे हो सकते हैं पॉजिटिव, एंड आपको एक न्यू लाइफ जो है आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में, जिसके अंदर बहुत सारी कंपैटिबिलिटी, पैशन, कंपेनियनशिप प्लस बहुत सारा लव है, ठीक है. तो नेक्स्ट 48 आवर्स आप लोगों की लाइफ के अंदर किसी तरीके की न्यू बिगनिंग्स को जन्म देंगे. मोर ओवर किसी तरीके का कुछ अच्छापन, कुछ पॉजिटिविटी, कुछ गुडनेस, ग्रोथ, पर लड़ाई झगड़े से बच के रहिएगा, इन्वेस्टमेंट से थोड़ा सा बच के रहिएगा नेक्स्ट 48 आवर्स में. मैं बोल रही हूँ कुछ उल्टा पुल्टा ना हो जाए, ठीक है, कुछ घूमने घूमने की एनर्जी बहुत है. तो नेक्स्ट 48 आवर्स में आप सिक्योरिटी एंड इनसिक्योरिटी दोनों का कार्ड है, दोनों चीज़ें फील कर सकते हैं. ढेर सारी प्रॉस्पेरिटी आ रही है, मैंने बोला ही था. डिवाइन लव आ रहा है आपकी लाइफ में नेक्स्ट 48 आवर्स में, मैंने ये भी चीज़ बोली थी. कुछ बहुत स्ट्रांग अचीव करने वाले हैं आप, एंड एक कार्ड और मैं निकालूंगी, ये साइकिक एबिलिटीज. आपको ऑलरेडी पता है कि आपकी लाइफ के अंदर क्या चेंज आ रहा है, और ये चेंज अभी एक दो दिन से नहीं आया, ये चेंज काफ़ी टाइम का है, ठीक है. सो यू गाइज विल डेफिनेटली गेट समथिंग वेरी ब्यूटिफुल, किसी तरीके का डिवाइनिक लव, किसी तरीके का पीस और किसी तरीके की प्योरिटी. तो नेक्स्ट 48 आवर्स की एनर्जी आप लोगों की बहुत पॉजिटिव रहेगी. अच्छा सोचने की कोशिश करें, अलॉन्ग विद दैट अच्छा सोचने के साथ साथ आपने अच्छी चीज़ों पे ही ध्यान देना है, ठीक है. परेशान नहीं होना है, नो परेशान नहीं होना है, परेशान परेशान बात कर रहे थे हम, एंड यस, देख रहे हो कितना जॉयफुल है ये बंदा. ट्रांसफॉर्मेशन, वन मोर कार्ड, क्लियर, कैंसिल एंड रिलीज. कई बार क्या होता है ना कि हमारे दिमाग में कुछ खराब से थॉट्स आ रहे होते हैं, तो आपको उनको क्लियर करना है, कैंसिल करना है, रिलीज करना है अपनी लाइफ से, ट्रांसफॉर्मेशन अपनी लाइफ के अंदर लेकर आना है, एंड पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है, ठीक है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ रीडिंग. पाइल बोल रही हूँ, कलेक्टिव पीपल, अपना अपना ध्यान रखें, खुद से ढेर सारा प्यार कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा. एंड फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पेयर रीडिंग्स आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है. बाय.